हाँ तो ये तो गलत चीज़ तो है काउंटर करने का, ये गलत कर रहे हैं। मतलब कोई भी मसला आ रहा है तो सारा मतलब उन्हीं के नाम आ रहा है, अतीकी का, तो आदमी क्या कहेगा? गलत किया भाई, गलत किया। कोर्ट काहे के लिए, अदालत किस लिए, किस लिए अदालत? चलिए, क्या लगता है आपको शहर का माहौल कैसा है? सही नहीं है। क्यों लगता है आपको सही नहीं? जब से ये बैठे हैं, जब से शहर का माहौल सही नहीं है। कौन बैठे हैं जब से? तो सर मैं कहता हूँ नहीं करना चाहिए था, लोगों को गिरफ्तार करके उनको सजा देनी चाहिए। अरे क्या नाम क्या है आपका? मोइस। अरे मोइस जी, आपको क्या लगता है कि जो प्रयागराज का शहर का माहौल है वो किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बिल्कुल सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा लगता है कि आप मुस्लिम हैं तो उस वजह से सरकार योगी जी की है तो कोई दिक्कत परेशानी महसूस कर? हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं भैया, हम लोग अपने काम से काम, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। कल अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ, अतीक अहमद के बेटे असद का, और उसके शूटर गुलाम नबी गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ, तो उसका क्या असर है क्या शहर में? शहर में तो कुछ देखने को नहीं मिला भाई। अच्छा। देहात की सिचुएशन हम नहीं जानते, शहर में सब नॉर्मल है। तो क्या लगता है आपको, जो एनकाउंटर किया गया, ये एनकाउंटर सही हुआ या क्या दूसरा कोई तरीका? ये हम आपको नहीं बताते, ये ऊपर वाला जाने। बस सीधी सी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी, सीधी सी बात। मतलब जो जैसा कर रहा है वैसा ही बस, सीधी सी बात। तो इस चीज़ का कोई असर तो नहीं है कि ठीक है अतीक का बेटा था उसका एनकाउंटर हुआ? शहर में कुछ नहीं, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा माहौल है, सब कुछ सही है। हम लोग अपने बिजनेस में लगे हुए हैं भैया, अपनी रोजी रोटी के लिए, पहले रोजी रोटी देखना फिर दुनिया की बात बाद में। तो कोई असर नहीं आता? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शहजाद नाम है। तो शहजाद जी, आपको क्या लगता है, जो अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ, कल ही एनकाउंटर हुआ, तो क्या ये सरकार सही कर रही है? ये बहुत सही कर रही है। सही कैसे? जी इस वजह से जो जैसा करता है वैसा भरता है। अच्छा। हाँ, हमारा माल अपने साथ, तुम्हारा माल तुम्हारे साथ। अच्छा। बस हम सब सीधी एक बात ये जानते हैं। हाँ। ना वो हमारे कुछ हमको दे देंगे, ना हम आपको खुद दे देंगे। हाँ। जो जैसा रहेगा वैसा कहलाया जाएगा। हाँ। लेकिन अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया, वो कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी तरीके से किए जा रहे हैं, गलत तरीका है एनकाउंटर करने का। हाँ तो ये तो गलत चीज़ तो है काउंटर करने का, ये गलत कर रहे हैं। मतलब कोई भी मसला आ रहा है तो सारा मतलब उन्हीं के नाम आ रहा है, अतीकी का, तो आदमी क्या कहेगा? यही तो कहेगा ना, अखिलेश यादव जो कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब जो एक तरीका है ये गलत है योगी सरकार का, जो एनकाउंटर किया ये गलत है। जी जी गलत है। तो क्या हर एक चीज़ में अतीक का नाम ले रहे हैं? हाँ, हर एक चीज़ की बात। आपका क्या नाम है जी? आपका क्या नाम है साहब? चला क्या नाम हो गया? देखिए यहाँ पर हम मौजूद हैं और आप देखेंगे हम प्रयागराज में मौजूद हैं और यहाँ पर लोग नमाज अदा करके आ रहे हैं। क्या नाम हो गया साहब? मोहम्मद शमीम। अरे मोहम्मद साहब, ये बताइए, हम अभी जो जानकारी लेना चाहते हो शहर के माहौल के बारे में जानना चाहते हैं, कल ही अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ, तो उसका क्या असर है शहर में? थोड़ा ये फर्स्ट क्लास देख तो रहे हैं आप। हाँ, क्या असर है? कुछ नहीं है। तो उसका कोई असर है क्या? क्या कोई असर नहीं है? अखिलेश कह रहे हैं कि जो एनकाउंटर हुआ फालतू है, आप खुद देख रहे हैं क्या है। आपका क्या नाम है? चाचा क्या नाम है? कुछ नहीं कहना है। नाम तो बताइए। चाचा क्या नाम है? बात भी नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग इग्नोर कर रहे हैं एक अलग तरीके। चाचा क्या नाम है? मोहम्मद हिदायत। अरे चाचा क्या लगता है आपको शहर का माहौल कैसा है? सही नहीं है। क्यों लगता है आपको सही नहीं? जब से ये बैठे हैं, जब से शहर का माहौल सही नहीं है। कौन बैठे हैं जब से? कल मैं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाँ, तो ये अतीक के बेटे का भी जो एनकाउंटर हुआ गलत तो गलत हुआ। भाई अदालत नहीं ना मान रहे हैं। हाँ, अदालत काय खातिर बना है? कानून दिलाने के लिए बना हुआ है ना, तो काहे ऐसा काम कर रहे हो तुम? वो कहते हैं अतीक के बेटे ने भी सरेआम दिया था भाई, दुश्मनी रही तो मारबीन करेगा वो। अच्छा, तो अब एनकाउंटर जो किया है वो गलत है, नहीं करना चाहिए ना कानून। तो क्या इसका क्या तरीका हो सकता था? दो मिनट रुकिए, सरेंडर कर देते अपने आप का। अच्छा, सरेंडर के बाद केस चलता उनको पे, या कुछ भी होता है। लेकिन पुलिस तो चाह रही थी कि अरेस्ट हो जाए, उन्होंने सामने पुलिस कह रही है उन्होंने फाइल से प्लान ड्राइंग का प्लान के तहत किया गया। हाँ, अखिलेश भी चाचा कह रहे हैं कि जो ये एनकाउंटर है फर्जी तरीके से। हाँ हाँ, पहले से इसको मारा गया है। पहले मारा गया। हाँ,
चलिए सबको यहाँ पर देखिएगा, अलग अलग राय हो सकती है। चलो क्या नाम हो गया? नो नो नो, नाम ही नहीं बता रहे। देखिए नाम ही नहीं बताना चाहते, और भी तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम हो गया भाई साहब, नाम तो बताइए। चलो क्या नाम है? शकील अहमद। अहमद जी कैसे हैं? सब बढ़िया सब बढ़िया सब। अरे ये जो हम जानकारी लेने आए हैं कि जो यूपी का मुसलमान है उस पर क्या असर हुआ अतीक के बेटे के एनकाउंटर का? कोई खास नहीं, सरकार ने जो किया है क्या सही किया है? जो किया बेहतर किया, बेहतर किया है सरकार, जो मर्जी किया उन्होंने। नहीं आपको क्या तंज कस रहे हैं या? नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कल मैं एक अखिलेश यादव की स्टेटमेंट सुन रहा था। तो अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं वो जाने वो समझे, हम लोग कोई राजनीति तो है नहीं, आम जनता है हम लोग। तो वही मैं जानना चाहता हूँ, आम जनता क्या समझती है कि आम जनता एक अतीक अहमद, एक बाहुबली जो हुआ करता था, और आज कह रहा है कि मुझे मिट्टी में मिला दिया, आप रगड़ रहे हैं मुझे, और कल उसके बेटे का एनकाउंटर कर दिया, वो कह रहा है कि मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो सरकार कैसी चल रही है योगी जी की यहाँ पे? सरकार ठीक चल रही है। ठीक चल रही है, हाँ ठीक चल रही है। कह रहे लोगों को टारगेट कर रहे, बुलडोजर चला देती, आप कह रहे ठीक चल रही है? ठीक चल रही, ठीक चल रही सर। बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। आपका क्या नाम हो गया राजा? नहीं भाई, नाम तो बताइए, नाम क्या है? महबूब आलम। महबूब जी आपको क्या लगता है जो अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ क्या सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ, बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो कुछ लोगों का मानना है सही नहीं किया, इसका कुछ और तरीका हो सकता था? नहीं नहीं, ये जो हुआ सही हुआ, सही हुआ। भाई साहब नमाज पढ़ के लोग निकल ले फर्जी, आप लोग जाके वहाँ मुद्दा पूछो जहाँ पे कांड है, यहाँ का मतलब है? नहीं अच्छा, आपकी भी तो राय जानना जरूरी है भाई साहब। देखिए चलो क्या नाम हो गया, नाम तो बताइए। बात भी नहीं करना चाहते कुछ लोग, और पीछे आप देख सकते हैं कि इधर से भी कुछ लोग अभी नमाज अदा करके आए हुए हैं। सब क्या नाम हो गया? इदरीस। अरे इदरीस जी आपको क्या लगता है शहर का माहौल कैसा है, किस तरह का माहौल है? क्या क्या माहौल में क्या बुराई है, क्या बुराई है माहौल में? सब कुछ जैसे नॉर्मल है वैसे आज सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बढ़िया, सब बेहतर बेहतर चल रहा है, बेहतर। इदरीस जी मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जो शहर का मुसलमान है उस पर कोई असर है क्या अतीक के बेटे के एनकाउंटर? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका क्या नाम हो गया? मोहम्मद इरफान। तो इरफान जी आपको क्या लगता है जो अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ ये क्या सरकार ने सही किया, या कुछ लोगों का आरोप है कि ये सही नहीं हुआ? नहीं भाई गलत किया है, गलत किया भाई, गलत किया। कोर्ट काहे के लिए, अदालत किस लिए, किस लिए अदालत? रुकिए देखिए क्या क्या नाम है भाई साहब? अलग अलग लोग, अलग अलग राय, अलग अलग चीज़ें सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब क्या नाम हो गया, नाम तो बताइए। मालिक दानिश। दानिश जी नमाज करके आए हैं जी? बढ़िया रही? बढ़िया। अरे मैं जानना चाहता हूँ माहौल कैसा है शहर का? माहौल सही है। अतीक के बेटे का जो एनकाउंटर हुआ क्या सही हुआ या गलत हुआ, क्या समझते? इसके बारे में नहीं मालूम, समझते नहीं है। चलिए क्या नाम हो गया? अरे हम लोग सब नॉर्मल है। नाम ही नहीं साहब, क्या नाम हो गया? देखिए बहुत सारे लोग हैं, बात ही नहीं कर रहे। चले क्या नाम है? लियाकत। नमाज अदा करा है जी? बढ़िया हो गया जी। रोजे से है जी? भूख भी, थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा है जी। दो मिनट बात कर लेंगे। अच्छा मैं जानना चाहता हूँ कि जो शहर का माहौल है वो कैसा है, अतीक के बेटे का कल एनकाउंटर हुआ, जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है उस पर इसका क्या असर है? ये सब के मामले में हमको नहीं मालूम भैया। क्या, हाँ क्या नाम है? नाम तो मोहम्मद मुबशिर है मेरा। हाँ। जी आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। देखिए मैं जानना चाहता हूँ शहर का माहौल कैसा है, और जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है वो क्या समझता है जो एनकाउंटर अतीक के बेटे का हुआ, वो क्या सोचता है इस बारे में? देखिए माहौल तो माशाल्लाह कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। माहौल के बारे में तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ। माहौल सब नॉर्मल है। बाकी जो इनकाउंटर हुआ है सर उसके लिए हम लोग कोई इसमें बुराई नहीं है, मगर अगर इनकाउंटर तो सर मैं कहता हूँ नहीं करना चाहिए था, लोगों को गिरफ्तार करके उनको सज़ा देनी चाहिए थी। कोर्ट सज़ा देती उनको, वो न्याय होता है। इससे ये होता है कि उच्च न्यायालय और माननीय न्यायालय की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, इस सब खत्म हो गया। अगर ऐसे ऐसे इनकाउंटर करने लगेंगे तो फिर ये भेदभाव का भी एक तो पहला मसला हो गया है। फिर इन्होंने गलत फहमियाँ हम लोग के बीच में पैदा कर रहे हैं, इससे
इससे ये साबित होता है कि मुसलमानों के लिए कोई सरकार मतलब एक तरफ से दरकिनार कर रही है हम लोगों को, इससे ये मतलब होता है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं न्यायालय इसको सज़ा देता, न्यायालय सारी चीज़ इस पर सुनवाई होती। एसटीएफ का और पुलिस का कहना है कि हम उनको गिरफ्तार करना चाहते थे, उन्होंने फायरिंग की सामने से, जिसके बाद जवाबी फायरिंग हुई उसमें वो ढेर हो गए। देखिए देखिए एक मिनट, देखिए अगर एसटीएफ का कहना है तो एसटीएफ तो ठीक मान लीजिए, एसटीएफ तो नहीं नहीं एसटीएफ का कहना है मान लीजिए, एसटीएफ तो सुनिए, एसटीएफ तो ठीक कह रही होगी। एक मिनट एक, अरे बात तो करिए। नहीं एसटीएफ का तो कहना है तो चलिए ठीक है, एसटीएफ तो कह दिए, अगर वो लोग भागते तो जंगल में क्यों भागते, इतनी इतनी रोड है, रोड पे चेकिंग कर रहे थे, रोड पर चेकिंग कर रहे थे तो रोड पे से ही भागते ना, बाकी बात को तो कुछ भी बनाया जा सकता है। बस मैं इतना ही, आपको क्या लगता है चाचा क्या नाम है? नाम क्या, अरे नाम से क्या ले, नाम नहीं बताएंगे बात के, बता दीजिए, इसमें डरने की क्या बात है, नाम से कोई मतलब नहीं होगा। नहीं देखिए हम जस्ट ये जानना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश का है ना, मस्जिद से और आगे बढ़ के पूछ लीजिए, अभी मस्जिद में चले। आपका क्या नाम है? नाम बेनाम है, हम नाम ही नहीं है, नहीं बेनाम है, मजाक कर रहे हैं, नाम तो बताइए। मजाक नहीं, बेनाम है, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, बस कोई भी हो। नाम तो मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूँ, बुजुर्ग है आप नाम भी नहीं बता रहे हैं। देखिए कुछ लोग हैं जो यहाँ पर बात करना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो उनको रोक देना चाहते हैं, बात नहीं करने दे रहे। आपका क्या नाम है? नहीं बता रहे। आपका क्या नाम? निसार अहमद। आपको क्या लगता है जो अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ, सही हुआ या गलत हुआ? अब ये तो शासन प्रशासन जाने, या उनकी करनी कथनी जाने, मैं क्या जानू, जनता भी जानती है। कोई बात कर रहा है तो कोई पीछे से आकर उसको रोक दे रहा है, अगर हम यहाँ पर बातचीत करना चाहते हैं, राय जानना चाहते हैं, तो उसमें कोई आता है पीछे से, माने जैसे कोई ठेकेदार है किसी चार लोगों का, और वो आके रोक दे रहा है कि नहीं ये बात नहीं करेंगे, यहाँ से आप जाइएगा, कहीं और जाकर बातचीत करिएगा, और उसके बाद आरोप ये लगता है कि कहीं ना कहीं आरोप भी इस तरह के लगाए जाते हैं कि बात नहीं सुनते हैं लोगों की, मीडिया पर तमाम आरोप लगा दिए जाते हैं, लेकिन बात करने जब आते हैं तो वहाँ पर लोगों को रोका जाता है, बात नहीं करने दिया जाता, वो सारी तमाम चीज़ें सामने आती हैं। अब भी आप देख रहे होंगे जब हम कैमरा पर यहाँ लोगों से बात करना चाहते हैं, कोई ना कोई पीछे से एक आदमी आता है और वो सभी को रोक देता है, कुछ भी कहने से पहले उनको मना किया जाता है कि कुछ बोलिएगा मत, जैसे किसी को कुछ सिखाया जाता हो, पढ़ाया जाता हो, उसके बाद वो चीज़ें कर रहे हो, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। हालांकि कुछ लोग कहना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, उनकी राय आपने देखी किस तरह की राय है, क्या सोचते हैं। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये प्रयागराज है, प्रयागराज में मैं यहाँ पर एक मोहल्ले में मौजूद हूँ, और पीछे आप देखेंगे मेरे बिल्कुल यहाँ पर एक मस्जिद है जो चमचमाती मस्जिद है, लोग नमाज अदा करके यहाँ से अभी पहुँचे हैं, नमाज अदा करके यहाँ से आए हैं, और कुछ लोगों से जब बातचीत की तो पता लगा कि अतीक अहमद भी कई बार यहीं पर नमाज अदा किया करता था, वो भी यहाँ पर आया करता था। कई लोगों से जब हमने बातचीत की, बहुत सारे लोग कैमरा पर उसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते, लेकिन अलग अलग तरह के माहौल हैं, अलग अलग तरह की बातें हैं। चाचा क्या नाम है? क्या करोगे, मिसयूज हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। नाम तो बताए, अदालत नाम क्या है, बनिए न्याय वहाँ मिलना चाहिए। नाम तो बताइए, नाम क्या, नाम नहीं बताएं, बाकी सारी बातें बता देंगे। आपका क्या नाम है? बलराम पाठक। क्या माहौल क्या है शहर का? बहुत बढ़िया है। अतीक का जो लोंडे का एनकाउंटर हुआ, क्या सही हुआ? क्या सही नहीं हुआ, जो गलत करेगा तो उसके साथ गलत होगा, कोई भी हो, अतीक हो चाहे कोई भी हो, जो गलत उसके साथ गलत होगा, और जो सही करेगा सही होगा। व्यापारी है तो व्यापार ही है, व्यापार के साथ कुछ नहीं होगा। अखिलेश कह रहे फर्जी एनकाउंटर कर दिया, क्या इसके पहले काउंटर नहीं होते थे क्या? यही सरकार काउंटर कर रही है क्या? आपने, आपको इसी सरकार में काउंटर दिख रहा हो रहा है क्या? इसके पहले कभी नहीं हुआ, ये तो मीडिया भी जानती है, जब जब जिसको मौका मिला तब तब काउंटर हुआ, जिसको मौका मिला तभी हो गया। हाँ ये तो काउंटर तो होगा ही, अब जितने क्रिमिनल हैं इनका तो काउंटर होना ही होना है। इनका कहना है जितने क्रिमिनल हैं उनके एनकाउंटर होने हैं।
जी क्या नाम हो गया साहब? बात ही नहीं करना चाहते। चलिए देखिएगा, हम भी और लोगों से बातचीत करना चाहते हैं और आप तक प्रयागराज की जो चीज़ें हैं वो भेजना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लेकिन लोग हैं कि कुछ ऐसे आते हैं कि कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आते हैं जो शायद जिनको रोका गया है या समझाया गया है कि ऐसा मत कहिएगा, वैसा मत कहिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।